दल उसके अंदर है, तो कितना भी बड़ा पापी हो वैकुंठ जाने से उसको कोई रोक नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वह तुलसी ठाकुर जी के चरण से स्पर्श हो गई है। एक तनिक सा तुलसी दल जो ठाकुर जी के चरणों से स्पर्श है, ठाकुर जी का चरणामृत युक्त है, यदि उसका कोई सेवन कर ले तो 24 घंटे की जिम्मेवारी है कि यदि 24 घंटे में उसके प्राण निकल गए किसी कारण से, क्योंकि प्राण तो कभी भी जा सकते हैं, उसको वैकुंठ जाने से कोई नहीं रोक सकता। अतुल प्रताप तनिक तुलसी दल। कहते हैं, बोले ठाकुर जी को 56 भोग लगाओ, लाखों रुपया खर्च करो तभी खुश होते हैं क्या? नहीं, 56 भोग तो हम अपने सुख के लिए लगाते हैं ठाकुर जी का। ठाकुर जी को तो कुछ नहीं, एक तुलसी चढ़ा दो रोज, एक तुलसी, और प्रसन्न करना हो तो वापे भी श्री राधा, ये कहकर के ठाकुर जी के एक 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 प्रयास बताएं। नित्य 11 तुलसी ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करो, ठाकुर जी को परम प्रिय है। और उसमें भी एकमात्र तुलसी ऐसा है कि आप जैसे कहीं व्यवस्था ना हो तो तुलसी को पुनः धो करके फिर चढ़ा सकते हैं ठाकुर जी को, अन्यथा सेवा प्रणाली में निषेध बताया। एक बार जो ठाकुर जी को अर्पित हो गया वो दोबारा ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। श्रीमद वल्लभाचार्य जी के चरित्र में एक भाव आता है कि एक बार ठाकुर जी की सेवा में व्यवस्था नहीं थी, तो व्यवस्था करने के लिए उन्होंने ठाकुर जी की भोजन थाल आदि में से एक स्वर्ण की कटोरी को विक्रय कर दिया। ठाकुर जी की स्वर्ण की कटोरी को विक्रय करके उससे जो धन आया उससे ठाकुर जी की सेवा के लिए प्रसाद आदि बनाया। तो कहते हैं ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो कटोरी पहले ही निवेदित हो चुकी है, ठाकुर जी को भोग हो गया। वो अब भोग को बेक करके आप धन लोगे तो वह पूरा भोग ही है, उससे जो खरीदोगे वो भी भोग है। और एक बार निवेदित वस्तु ठाकुर जी पुनः स्वीकार नहीं करते, पर तुलसी ठाकुर जितनी बार दो उतनी बार स्वीकार कर लेते। नारद जी ने कहा तुम धनुर्यज्ञ करो, और धनुर्यज्ञ में पुरस्कार देने के लिए, पुरस्कृत करने के लिए कृष्ण बलराम को बुलाओ। हर जगह मारपीट से काम नहीं होता, कुछ प्रेम से करो, किसी को भेजो और जाके वहां ब्रजवासियों में ऐसी खबर फैलवा दो कि कंस पुरस्कार देने के लिए कन्हैया को बुला रहे हैं। क्यों कर दिया? ब्रजमंडल की कितनी रक्षा की? इससे दो बातें होंगी, कृष्ण आ भी जाएंगे और दूसरा ब्रजवासियों के मन में यह भी भावना आ जाएगी कंस राक्षस नहीं है। ब्रजवासियों को ऐसा लगता है राक्षस तुमने भेजे हैं। कंस बोला जो आज्ञा, और कंस ने एक मेला का कार्यक्रम रखा और उस मेला में धनुर्यज्ञ किया और अक्रूर जी महाराज को भेजा, जाओ ठाकुर जी को लेकर के मथुरा आओ। अक्रूर जी का प्रसंग भी बहुत सुंदर है, पर बहुत विस्तृत है। अक्रूर जी महाराज रस्ते भर सोचते जा रहे हैं, कहीं पूतना अघासुर बकासुर धेनुकासुर जैसे राक्षसों की तरह ठाकुर जी मथुरा से आया हुआ एक राक्षस जान के मुझे भी तो मार तो नहीं देंगे, मैं सब बालक और तू वो कहीं ना जान दे। और ठाकुर जी ऐसे मैया को पीछे करने लगे, उतरने लगे गोद से। मैया कहें लाला ऐसे ना करो, करें तू आज, मैं तो यूं कह रही हूं मैं कैसे रहूंगी तेरे बिना। मैया ऐसी कोई बात ना है, दो दिना की तो बात है, मैया जान दे मुए। मन से तो ठाकुर जी ये कह रहे मैं कैसे जाऊं। बंधु ऐसी कथा आती है कि जब ठाकुर जी लीला कर रहे थे ना तो नारद जी आए और नारद जी आकर के ठाकुर जी से बोले ठाकुर जी ये क्या कर रहे हो आप? भगवान बोले क्यों? गोपियों के संग रास कर रहे हो, ब्रजवासियों के घर की मटकी चुरा चुरा के खा रहे हो, बाल बालों के गले में गलवैया डाल के डोल रहे हो, आप इसके लिए आए हो पृथ्वी पर? आप धर्म स्थापित करने आए हैं पृथ्वी पर? आपको कंस को मारना है, पृथ्वी का भार हल्का करना है, और आप तो आसक्तियों की भांति इन ब्रजवासियों में घुल मिल गए हो। कब मारेंगे आप कंस को? कब तक लीला चलेगी आपकी? ठाकुर जी के नेत्रों से आंसू आ गए, बोले नारद तेने मुंह काय को याद दिला दे कि मुंह जानो है। अरे मैं तो भूल ही गयो कि मुंह ब्रजवासी दूर जानो पड़ेगो।
ठाकुर जी नारद जी को अपने पास बुलाते हैं और गले से लगा कहते, नारद मेरे एक काम कर दे। नारद बोले, क्या? बोले, पहले वचन दे तू करेगो। नारद जी बोले, नहीं वचन नहीं दूंगा, आप कुछ भी मांग सकते हो, बताइए क्या चाहिए। ठाकुर जी बोले, नारद कोई ऐसी योजना बन सके कि कोई दूसरा भगवान आ जाए, वो ब्रह्मांड को संभाल ले, वो तीनों लोकन को संभाल ले, वो वैकुंठ को संभाल ले, वो देवतान को संभाल ले, वो पृथ्वी को भार हल्को कर दे, वो राक्षसन को मार दे और मैं सदा के लिए वृंदावन में ही बस जाऊं, ऐसा है सके? नारद जी थोड़े दूर खड़े हो गए, बोले, आप सच में परब्रह्म ही हो ना? पहले इंद्र को मान हुआ, पहले फिर ब्रह्मा की बुद्धि घूम गई, मुझे लगता है आज मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आप भगवान नहीं हो। निर्गुण निराकार निरीह सबको मुक्त करने वाला आज आसक्ति में क्यों दिख रहा है मुझे? ठाकुर जी रुदन करने लगे, बोले, कोई उपचार नहीं है ना नारद, कोई और भगवान नहीं आ सकता ना, मुझे ही जाना पड़ेगा ना। नारद वो दूर देख मधुमंगल घूम रहा है ना, को देखो ये गैया भी ना, पता है नंद बाबा के, बोले, लाला शाम को समय होवे दूध काढ़वे को, तूने गौशाला में घुमाए कर। बोले, क्यों क्यों बाबा? बोले, क्योंकि तू गैयान के सामने तो घूमे आवे तो गैया प्रेम सो दूध दे दे, नहीं तो कई गैया तो दूध ही नहीं दे। क्यों? आज कृष्ण नहीं दिखे हमको। संसार के लोग संसार के लिए जीते हैं, पर ब्रजवासी मेरे लिए जीते हैं। नारद मैं कैसे जाऊं इनको छोड़ करके? देख लो ना, कुछ हो सके तो कोई और भगवान आ जाए, उसको तुम भगवान, मैं अपनी पदवी त्याग दूंगा, वैकुंठ छोड़ दूंगा, लक्ष्मी जी से कहना क्षमा कर दे मुझको, अब मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, मैं सदा ब्रज में बस जाऊं, इन ब्रजवासियों के बीच, गोपियों के बीच, यशोदा मैया की गोद में सदा रहने का मेरा मन है। सच बताऊं नारद, वैकुंठ से भी ज्यादा सुख है वृंदावन में। नारद जी के मन में कंपन तो हो रहा है, भाव तो उमड़ रहा है, पर नारद जी दबा रहे हैं। नारद जी चरणों में गिर गए, बोले, नाथ नूतन प्रलय हो जाएगा, ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, 33 कोटि देवी देवताओं के ऊपर आप नहीं रहोगे तो लड़ झगड़ करके आपस में सब मर जाएंगे। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, आपको मथुरा जाना पड़ेगा, ब्रज तो छोड़ना पड़ेगा। सूर्य नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं, हे सूर्य नारायण, हमने नित्य आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मांग रहे हैं, क्या आप उदित मत हो, आज आप अस्त ही रहो, अंधेरा ही रहने दो, क्योंकि भोर हो कन्हैया चले जाएंगे। आज सूर्य उदय में कोई पक्षी चहक नहीं रहा है, गैया चारा नहीं खा रही हैं, सब अपलक नेत्रों देख रहे हैं, कन्हैया हमको छोड़ के जा रहे हैं। ठाकुर जी जैसे ही बाहर आए, ब्रजवासियों की स्थिति अवर्णनीय, नहीं रोक पाए अपने रुदन को, चीखें मार मार के रोने लगे ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले, अरे तुम पागल है गए हो सबरे, अरे मैं परसों आ जाऊंगो, दो दिना के काजे जा रहा हूं, इतनों काय को रो रहे हो? लाला तेरे बगैर कैसे जिएंगे हम, तो देखे बगैर वृंदावन में कोई ना रहे, वो हमारो आज तक, आज 11 वर्ष 56 दिन के हो गए ठाकुर जी, 11 वर्ष 56 दिन में एक दिन ऐसा नाय निकलो लाला जो तो को नाय देखो हो, कैसे रहेंगे हम दो दिना? कई ग्वाला तो ठाकुर जी की गोद में चढ़ जाते हैं, ठाकुर जी कह रहे, अरे मुझे छोड़ तो दे ना, जान तो दे। बोले, लाला मैं यहां मारे गले लग रहा हूं कि तू दो दिना के काज जा रहा, और कहीं तेरे विरह में मेरे प्राण निकल गए तो फिर अंतिम समय गले भी ना लग पाऊंगा, यहां मारे आज ही लग रहा हूं लाला। अरे ऐसे काय को बोले, मैं आऊंगा ना परसों, मिलूंगा तो ते। ठाकुर जी किशोरी जी के पास गए और हाथ जोड़ करके बोले, श्यामा जी आप तो सब जानती हैं, लीला के विस्तार के लिए मेरा जाना कितना आवश्यक है, आप आज्ञा दे दीजिए, एक बार आप आशीष दे दीजिए, मैं निकल जाऊं फिर।
किशोरी जी ठाकुर जी के चरणों की ओर देख रही हैं, ठाकुर जी किशोरी जी के नेत्र नहीं मिला पा रहे दोनों। किशोरी जी ने कहा, ठाकुर जी आपने मुझे दुविधा में डाल दिया, मैं क्या उत्तर दूं आपको, आप चले जाओ। क्या प्रेमी अपने प्रियतम से कभी कहता है कि चले जाओ? कभी नहीं कहता। और यदि मैं आपको ना, खुद को यशोदा मैया तो मानो जैसे कोई जीवित लाश हो, करने लगा ब्रजवासियों की रुदन तीव्र हुआ, कोई कहने लगा कन्हैया मत जा भैया, कन्हैया तेरे पर कैसी ग्रीवा, कैसे हार, कैसी ग्रीवा, कैसे हाथ, एक एक रों का स्पर्श यशोदा मैया अपने हाथों से कर रही हैं, और सर्वांगण अंग को छूते हुए यशोदा मैया ने जैसे ही लाला के चरण पकड़े, ठाकुर जी टूट, मैया कहां कर रही है, लाला तेरे स्पर्श को अपने हृदय में धारण कर रही हूं, क्यों? क्योंकि अब तू आवेगो नहीं, मोकु पतो चल गई है, तो तेरो स्पर्श तो रहेगो ना मेरे पास, कैसी बात करी, क्यों ना आऊंगा मैं? देवकी को लाला है तू, मेरो लाला नहीं है, मेरो कन्हैया नहीं है तू, मुकु आज पतो चली इतने वर्ष बाद, मेरो कन्हैया नहीं है। लाला तो उससे बस एक प्रार्थना, कभी देवकी को ऐसे छोड़ के मत जाइए, देवकी को ऐसे मत बताइए कि मैंने माखन चुरावे के काजे तो को उखल से बांध दियो, तेरे पीछे छड़ी लेके भागी, मेरो अधिकार नहीं है तो पे। कभी मत बताइए देवकी को कि मैंने तेरे साथ ये सब अन्याय कियो, बस एक बात मान ले लाला, चादना मेरे अंतिम श्वास निकल रही हो, जीवन में कभी मत आइयो लौट के, पर जब मेरे अंतिम श्वास निकल रही हो, वास समय मेरे सामने आ जाइयो, बस तू को देखते भय अपने प्राण त्याग दूंगी ना। और ऐसा कहते हुए यशोदा मैया तो मूर्छित हो गए, सब ब्रजवासियों को से कहा ठाकुर जी ने, संभालो मां को, और यशोदा मैया की चरण रज अपने सिर पर धारण करके, यशोदा मैया की चरण रज को अपने अपने जिह्वा पे धारण करके, और कुछ चरण रज अपनी अपनी जेब में धर के ठाकुर जी ब्रज मंडल को दंडवत प्रणाम करके रथ में आरूढ़ होकर के चले गए। हमारे ब्रज में बंधुओं आज भी कई ऐसे रसिक हैं, वो ये कथा नहीं सुनते, वे हाथ जोड़ के मना करते हैं कि नहीं आप रास के आगे कथा मत सुनाओ, कन्हैया ब्रज छोड़ के गए हम नहीं सुन सकते। ठाकुर जी और ब्रजवासियों की स्थिति भागवत जी में वर्णन करते हैं कि ब्रजवासी ठाकुर जी के रथ को देख रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं, देखियो ये रही ना पावेगो, नेक दूर जाती रथ रुक जाएगो, कूद के आवेगो हमारे पास, जा ही ना सके हम ते दूर। दूसरे बोले, चलो तो गयो रथ, अरे तू देख अभी अभी आवेगो, फिर थोड़े, अरे चलो गयो भैया रथ, अरे तू देख अभी दिखेगो कन्हैया, अरे भैया चलो गो रथ, अरे देख ध्वजा दिख रही है अभी 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 आवे वारो कन्हैया। कहते कहते रात्रि हो गई, बोले भैया चलोगो कन्हैया, अरे ना तो ना पतो आ रो है अभी लौट के, रही ना सके वो मेरे बिना, हमारे बिना कहां जाएगो। मधुमंगल को खींच के ले गए सब, बोले मधुमंगल नहीं आ रो कन्हैया, परसों आवेगो। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा कि ठाकुर जी कैसे चले गए हमें छोड़ के, हमने सबको सब अपने जीवन पर मानो प्रश्न उठा रहे हैं, हमने कोई सेवा में कमी छोड़ी। अन्हा तेरी
जोहत रे गई बाट, जोहत रे गई बाट, झूठी प्रीत करी मन मोह या कपटी के साथ, झूठी प्रीत करी मन मोह या कपटी के साथ, या कपटी के साथ, जोहत रे गई बाट। कान्हा तेरी जोहत रे गई बाट, जोहत रे गई बाट। मीरा के प्रभु गिर धर नागर, मीरा के प्रभु गिर धर नागर, दे ब्रज को चार, दे गयो ब्रज को चार, जो हत रे गई बाट, जो हत रे गई। ब्रजवासी बैठे रहे, ठाकुर जी मथुरा गए और मथुरा जाकर के कंस का वध किया और कंस वध के बाद ठाकुर जी ने अपने देव की मैया को कारागृह से निकाला। 11 वर्ष 56 दिन बाद आज ठाकुर जी दिखे हैं देव की मैया को। भगवान पढ़ने के लिए सांदीपनी गुरुकुल गए, लौट करके आए, ठाकुर जी, अब ठाकुर जी का नाम कन्हैया नहीं है, अब ठाकुर जी का नाम कनुआ नहीं है, अब ठाकुर जी का नाम गोपाल नहीं है, गोविंद नहीं है, अब ठाकुर जी का नाम क्या है? राजा अधिराज मथुराधिपति देवकी नंदन वसुदेव नंदन श्री कृष्ण चंद्र महाराज। और जब कोई इस नाम का उच्चारण करता है ठाकुर जी अपने कान बंद कर लेते हैं। ठाकुर जी को मानो ऐसा लगता है कि कोई कील ठोक रहा है मेरे कानों में। अपने कक्ष में चले जाते हैं, भीतर से बंद कर लेते हैं और खिड़की पर खड़े होकर के ब्रज कोई देखते रहते हैं ठाकुर जी। कनुआ कन्हैया लाला गोपाल गोविंद माधव सब नाम याद आते हैं, कोई नहीं बोलता। आज देव की मैया ने मन में विचार किया, इतने दिन बाद लाला आयो है, मैं अपने हाथन से भोजन कराऊंगी अपने लाला को। 11 वर्ष से मैंने कभी कछु पवायो नहीं, आज मैं पवाऊंगी। और देव की मैया थाल सजा करके ठाकुर जी के कक्ष में ले गई। लाला चल आजा भोजन करेंगे। ठाकुर जी तुरंत अपने आंसू पोंछते हैं, देव की मैया के आगे रोना नहीं है, नहीं तो बुरा लगेगा उनको। मैया के पास गए, ठाकुर जी मैया एक बात को बुरा तो नहीं मानेगी? मैया बोली हाँ लाला बोल। मैया मुकु ऐसे नीचे बैठ के पावे को अभ्यास नहीं है। देव की मैया बोली अच्छा कैसे पावे को? मैया तू मुकु गोद में बैठा ले। देव की मैया बोला हाँ लाला आजा मेरी गोद में। ठाकुर जी गोद में बैठ गए।
मैया अब पवायद है। देवकी मैया भी भावुक हो रही है कि यशोदा ने कितना लाड़ किया है कन्हैया को, कितना प्यार किया है, नीचे नहीं बैठने दिया, कभी गोद में बैठाती है। देवकी मैया ने थाल पे से जैसे एक वस्त्र हटाया, देवकी मैया माखन सजा के लाई थी कि लाला प्रसन्न है जाएगा माखन देख के, वहां पे मिश्री पड़ी है खांड की। ठाकुर जी ने जैसे ही थाली देखी और थाली में माखन देखा, ठाकुर जी तो रोने लगे, मैया से लिपट गए। मैया बोली, अरे लाला कहां भयो, काई को रो रो मेरो कन्हैया, काई को रो रो। और ठाकुर जी के मुख से निकलो, मैया यशोदा, मैया यशोदा, मैया यशोदा का नाम सुनते ही देव की मैया ठंडी पड़ गई पूरी। ठाकुर जी को उठा करके बिस्तर पर लिटा दिया। बोले, लाला ऐसे रोयो ना करें, रुक मैं जा रही हूं, मैं पिताजी को भेजूं, वो संभालेंगे। ठाकुर जी जोर जोर से रो रहे हैं, मुख याद आ रही है, मुख मेरी मैया के पास जानो है, मुख मेरे बाबा के पास जानो है। यशोदा मैया ने नीचे जाकर के ये बात वसुदेव जी से कही। वसुदेव जी बोले, मेरा जाना भी उचित नहीं लाला के पास, मैं रुको उसके मित्र उद्धव को भेजता हूं, वो बात करेगा। उद्धव तुम जाओ, समझाओ कन्हैया को, तुम्हारी उम्र का है, तुम बताओ कि माने ऐसे रोना चाहिए उसको, बताओ ऐसे रोता है। उद्धव जी गए, ठाकुर जी रुदन कर रहे हैं, मुंह मेरी मैया के पास जानो है। उद्धव जी ने जाकर के ठाकुर जी को प्रणाम किया और ठाकुर जी आके बोले, पर ब्रह्म त्रिलोकी नाथ जगन्नाथ, द्वारिकाधीश मथुराधीश, ब्रह्मा भी जिनके आगर नेति नेति कहकर के पुकारता है, वेद जिसकी अर्चना करते हैं, वो पर ब्रह्म आज मोह की अवस्था में दिख रहा है मुझको। क्या बात है कन्हैया, आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? उद्धव, मुझे ब्रजवासियों की बहुत याद आवे, मुझे यशोदा मैया की बहुत याद आवे, मुझे पिताजी की बहुत याद आवे, तो पतो है मैं पिताजी से कभी अंक भर के नहीं सोयो, मैं हमेशा यशोदा मैया से अंक, अब मुंह को लगे मैं क्यों नहीं सोयो पिताजी से अंक भर के। पिताजी ने एक बार यशोदा मैया से जिद करी, आज लाला को मैं हृदय से लगा के सोंगो। यशोदा मैया बोली, सो जाए तो सुला लो, अरे वाकू तो मेरी छाती पसंद है, आपसे कैसे लिपट जाएगा, नहीं लाला आज मुंह से अंक भर के सोएगो। पिताजी ने मुंह से पूछी, लाला आज तू मेरे हृदय से लग के सोएगो ना? मैंने कि हाँ पिताजी सोंगो, लेकिन मैं मन से तो चारों मैया के पास ही सोऊं, पर पिताजी बुरो मान जाते। मैं एक रात पिताजी से हृदय लग के सोया, मुकु रात भर नींद नहीं आई। आधी रात पिताजी उठे और बाबा ने कही, लाला तू जिद मत करे, तू जबरदस्ती मत करे, तू जा मैया से लिपट के सो जा। और मैं कूद के गयो और मैया से लिपट के सो गयो। तब बाबा के नेत्रन में आंसू आ गए, बोले, लाला काश मैं हूं मैया होता तो मेरे हृदय से लग के सोता तो रात भर। मुझको आज याद आ रही है मैं क्यों नहीं सोयो बाबा के पास। ब्रज की गोपीन की याद, ग्वाल बाल मधुमंगल पतो ना जीवित है कि नहीं, मुझे देखे बगैर एक क्षण नहीं रहवे वो। उद्धव तू एक बार ब्रज चलो जा, और सुन मैं यामारे कह रहा हूं, तू ब्रज जाएगो, तू जाकर के उनके रुदन को शांत कर देगो, वे मुझको याद करनो बंद कर देंगे तो मोकू भी उनकी याद कम आएगी। वास्तव में मोकू याद ज्यादा यामारे आवे, क्योंकि वो भी मोए बहुत याद करें। उठा मेरी मैया से जा कहियो, उठा मैया से जा। हमारे ब्रज का बहुत सुंदर पद है, ठाकुर जी उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव तू ब्रज जाकर के मेरा संदेशा दे दे। तेरो लाला दुख पावे, मेरी मैया से जा कहियो,
उद्धव मैया को जाके तू मेरो संदेशा देगो। बोले कहा या मथुरा में सब मुंह को नहवाए दे। उद्धव बोले मतलब? उद्धव यशोदा मैया मुंह को नहवावे नाही, गरम गरम जल लेके आती और मेरे मुंह नेक पहुंच के अपनी पल्लू ते पहुंच देती। यहां पे कोई ना करे ऐसो, कोई ना धोवे मुख ताते जल। तातो मतलब ब्रज भाषा में गरम को बोलते हैं ताता। कोई ना मुख धोवे ताते जल, अचरा पोंच सवारे मैया। कोई ना मुख धोवे ताते अचरा पोंच सवारे। माखन रोटी नाम ना जाने, माखन रोटी नाम ना जाने। और कनुआ कहे मोए कोई ना बुलावे, मेरी मैया से जा कहियो दो, मैया से जा। तेरो लाला दुख पावे, मेरी मैया से जा कहियो। बाबा नंद अंगुरिया गहे गहे पायन चल वो सिखावे उधो। बाबा नंद अंगुरिया गहे पायन चल वो सिखावे। बाबा नंद अंगुरिया गहे गहे पायन चल वो सिखावे उधो। एक लीला सुनाऊं। नंद बाबा अपनो प्रेम, पिता अपना प्रेम प्रकट नहीं कर पाता पुत्र से। नंद बाबा देखते हैं हमेशा यशोदा ते चुपको रे, तो नंद बाबा ने एक योजना बनाई। कहा नंद बाबा को अगले दिना सवेरे जो पोशाक पहननी है वो पोशाक की चद्दर बना के लाला को उड़ा दें। रात भर लाला वही में दुल्लर तिल्लर होवे, वही में सोवे, वही में खो जाए, वही में भीतर घुस जाए। और जब ठाकुर जी सुबह उठ जाते हैं, ठाकुर जी के लंबे लंबे हाथ लटक रहे हैं, बाबा के कुर्ता पहन के डोल रहे हैं। और जब ठाकुर जी वहां से पूरे अपनी सुगंधी से वह कुर्ता को अंकित कर दें, तब नंद बाबा पहन के पूरे दिना घूमे और बार बार अपनी बांह सूंघ सूंघ के, अपने वस्त्र सूंघ सूंघ के लाला को याद करें, मेरो लाला यही में सोवे, मेरो लाला मेरे वस्त्र पहन के सोवे। ठाकुर जी कह रहे हैं उद्धव बाबा कहां पहनते होंगे, मेरी सुगंधी ना आती होगी, कितने परेशान होते होंगे। बाबा नंद अंगुरिया